क्रिकेट खेल लिया है और क्योंकि बॉल खो चुकी है छत पे टिपा के, फिर उस छत पे और फिर वहाँ से नीचे। तो देखो सामने छत में जाके दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे है चार दुकान। और गाइस जी जो आपको पीछे दिख रही होगी फोटोज, ये मेरी बचपन की फोटोज है, आउट है देखो भी। और अब कूदने जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 3020 व्लॉग्स पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ बात करते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा मौसम है। देखो देखो कुछ इस तरीके से का मौसम हो रहा है कि फॉग फॉग है जमा हुआ थोड़ा, पर ठंड नहीं है। और इस तरफ को सनसेट होता है जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, उस तरफ को थोड़ी ऑरेंज टाइप हो रखा है क्योंकि सूरज वहाँ से नीचे को जा रहा है। और अभी तो फिलहाल धीरे धीरे जो पैक हो चुका है मसूरी, पर पूरा ये देखो भाई पूरा पैक हो चुका है नीचे तक, और वहाँ से धीरे धीरे पूरा ऊपर की तरफ आ रहा है। और आज काफ़ी काम करा हमने, ये धुलाई धुलाई करी पूरी यहाँ से लेके उधर तक, और सीढ़ियों से लेके ये पूरी छत। और फिलहाल तो क्या बताएं आपको, ठंड ठीक ठाक तो हो रही है। और अभी तक हम क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पे खेलते हम क्रिकेट। और देखो जैसा कि आपने देखा कि आधी तरफ तो बादल आ रखे हैं और उसके ऊपर मौसम क्लियर है। दिन के टाइम पे तो मौसम क्लियर था, मतलब धूप इतनी तेज़ भी नहीं थी जैसे 4-5 दिन पहले थी, पर तभी भी फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा खास तो ठंड है नहीं। पर अभी भी आपको इन्फॉर्म करा है कि मसूरी में वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी, कोई भरोसा नहीं भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखते रहो, स्किप मत करो। तो देखो सामने छत में जाके दिखाऊंगा मैं आपको कि पास से फॉग कैसे सा होता है आजकल। ये देखो, और ये सामने मंदिर है। और देखो इस तरफ को दिखाता हूँ आपको यहाँ कैसा है। यहाँ पूरा एकदम नीचे भयंकर सीन हो रखा है। और यहाँ पे है चार दुकान। और ये देखो कैसे धीरे धीरे कोहरा ऊपर अपनी जगह बना रहा है और चारों तरफ वाइट सा हो रहा है। तो अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ एक खतरों के खिलाड़ी वाला, मतलब उससे भी भयानक वाला स्टंट। मैं यहाँ से जो सामने पुस्ता दिख रहा है इस पर कूदने वाला हूँ और कूद के पार करूँगा ऐसे ही, तो देखते हैं कैसा होता है। तो भाई मेरे हाथ में कैमरा है और पहले टाइट पकड़ लेता हूँ कैमरे को, और अब कूदने जा रहा हूँ मैं यहाँ से। देखते रहिए। और ये देखो यहाँ से पूरा कितना डिस्टेंस कवर करा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो करीबन इतना ज़्यादा गैप था। और कितनी सही लोकेशन पे। और ये देखो कितनी तेज़ी से कोहरा अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी में ऊपर आ चुका है। देखो यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, चलते हैं ऊपर और देखेंगे क्या कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो को और आगे बढ़ाने के, और आगे बढ़ाएंगे ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें। तक खास व्यू दिख भी नहीं रहा है, पर कोई भी क्योंकि अभी मई का मंथ चल रहा है, तो मई के मंथ में भी इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब ठंड तो बहुत कम है पर तभी भी मई के मंथ में ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल तो गर्मी चलती है काफ़ी देर, इतनी देर तक तो धूप रहती है, एक दिन बारिश होती है एक दिन धूप, और इसका कुछ कह नहीं सकते हम क्या हुआ। देखो अब धीरे धीरे पूरा मौसम चेंज होने लग गया है, पेड़ है वो ढकने लग गए हैं, और ये पूरा एकदम भयंकर से लग रहा होगा। ऐसी बात नहीं, व्यू तो बढ़िया दिखता है, पर अगर एक बारिश हो जाए उसके बाद दिखता है यहाँ से क्लियर व्यू देहरादून मसूरी का, बहुत ही भयंकर जिसे बोलते हैं बहुत ही भयंकर नज़ारा, काफ़ी बढ़िया नज़ारा रहता है क्योंकि देखने लायक रहता है। और अब देखते हैं अंदर की क्या हो रहा है। क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पर, ये है स्टंप इसके फ्रेम के अंदर तक, और सामने से होती है बॉलिंग, और यहाँ खेलते हैं और इधर मारते हैं शॉट।
के बन रहे, भिंडी तो भिंडी बन रही से तेल ने फ्राई कराया पहले और तेल निकाला जा रहा है इधर। तो भाई कमेंट करो और कैसा लग रहा हूँ मैं, और कमेंट करके बताओ क्योंकि भाई खास तो लगने रहा कुछ। और तो भी ऐसी डैमो के लिए पहन लिया, डैमो 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 पिज्ज़ा डैमो। आपने पिछला व्लॉग नहीं दिखा तो ज़रूर देखिए, आपको मिल जाएगी, पिज़्ज़ा की व्लॉग है, पिज़्ज़ा व्लॉग है, काफ़ी इंटरटेनिंग है और काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें और आपको ओवन ओवन के बारे में पता चलेगा कैसा था वो। अगर आपने देखी होगी तो थैंक यू, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली में। आज इस कमरे का सेटअप दिखाता हूँ आपको कैसा चेंज हो चुका है। ये देखिए, ये हो चुका है इस कमरे का सेटअप चेंज। देखो हाँ, इधर से दिखाता हूँ, ये हो चुका है, यहाँ बेड बन चुका है और सामने भी वो है पर्दा। ये खुद ही ये मैनुअली सेट किया हमने। तो काफ़ी मतलब यहाँ दो बेड थे, एक बेड हमने नीचे रख दिया है और एक ही बेड यहाँ है क्योंकि ज़्यादा स्पेस घेर रहा था वो बेड, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ जगह बच जाएगी। तो अब थोड़ी खुला खुला सा लग रहा है, फ्री सा लग रहा है। तो चलते हैं बाहर, शायद कोई आवाज़ मार रहा है, बाहर शायद कोई आवाज़ मार रहा है। और अभी भाई आवाज़ ये बात कर रहे हैं तो हम व्लॉग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बंद करते हैं यहाँ पे। हाँ तो गाइस, जो आपको पीछे दिख रही होगी फोटोज़, ये मेरी बचपन की फ़ोटोज़ है, और जो ऊपर ट्रॉफीज दिख रही है सारी मेरी है, सारी ये कोई भी नहीं है किसी और, सारी मेरी है। और इधर भी सारी दिख रही है, आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, इसमें मेरी नानी है, दादी है, मम्मी है, और हम दोनों भाई हैं, और एक चाची है और उनकी लड़की है, और चाचा है फौजी भाई होता है देखो। और ये भी दिख रही है, सारी मेरी है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और एक डॉल है, अरे को ट्रॉफी, सबसे बड़ा कप भी देखो, क्लास की फेयरवेल की फोटो और प्रिंसिपल मैम। तो इसमें लग रहा हूँ स्मार्ट, लग रहा कि नहीं लग रहा। और ये देखो, देखो ये झूला है, ये हैंडमेड है। चल यार क्रिकेट खेलते हैं। तो गाइस आपको थोड़ी क्रिकेट खेल के दिखाते हैं कि हम खेल रहे थे नहीं, कि आप लोग सोच रहे हो हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ले भाई बॉल, और बॉल चलेगी, प्लेयर चलेगा उधर, और अब हम खेलेंगे क्रिकेट। ऐसी बॉल कराइए, जरा कैमरा पकड़ाओ मैं, ओए होए रुक जाए, धीरे कराइए। ओ चार रन स्लिप पे जाता हुआ। सो गाइस अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अभी मैं आपको खुद को डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आगे व्लॉग को कंटिन्यू रखूँगा। तो तब तक थोड़ी ब्रेक लेते हैं। A few moments later. So guys, काफ़ी देर के बाद हमने क्रिकेट खेल लिया है, और क्योंकि बॉल खो चुकी है, शॉट मारा मैंने स्ट्रेट और नीचे जंगलों में चले गई, क्योंकि अब यहाँ मिलना आसान तो है नहीं। इसका व्लॉग भी बना देंगे हम बॉल ढूंढते समय एक, और बॉल बताता हूँ मैं आपको कहाँ गई। बॉल गई यहाँ से नीचे, इस छत पे टिपा के फिर उस छत पे, और फिर वहाँ से नीचे, तो काफ़ी दूर गई जंगलों में। और अब टाइम हो चुका है 7:09 हो रहा है टाइम, और अब थोड़ी देर बाद हम वॉक पे जाने वाले हैं, और वहाँ का व्लॉग तो बनाऊंगा नहीं क्योंकि वॉक पे भाई एक्सरसाइज होती है, इसलिए व्लॉग हर जगह नहीं बन सकता। तो गाइस शाम हो चुकी है, तो इसलिए अब हम ये जो कपड़े हैं ये अंदर रखेंगे, इसको रख के आएंगे हम अंदर। और ये सामने वाली लाइट ख़राब हो चुकी है तो ठीक करवानी पड़ेगी, इसे रख देते हैं हम इधर कपड़ों को, ठीक है। और देखो झूठ तो मैं बोलता नहीं, टाइम दिखा देता हूँ आप, टाइम हो रहा है 7:12। देखो भाई तो 7:30 करीब, जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा बाहर, तो तब जाएंगे हम वॉक पे, मतलब रनिंग जॉगिंग जो भी होती है। तो फिर क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अब हल्का फुल्का, क्योंकि लोग भी जाने लग गए हैं, इसलिए देखते हैं। और अब फॉग थोड़ा कम, अच्छी साइड ज़्यादा है,
ये देखो यहाँ पे ना वैसे जाली लगी हुई है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बंदर ऊपर से आता था और सीधे अंदर और सामान सामान लेके गायब। फिर उसके बाद जाली लगवाई और ये सामने गेट लगवाया और सैनिटाइजर की बोतल और सामने गेट लगवाया, तो तब से बंदर तो आया नहीं। तो क्या करें, चले फिर? तो भाई सजेस्ट करो कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं मैं, क्योंकि टॉपिक नहीं मिल रहा है भाई वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट करो कि किस चीज़ पे बनाऊं मैं, ताकि मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊं और आप लोग उसे देखो तो सही। क्योंकि भाई हमारी जो जनता है ना, सब्सक्राइबर है, वो देखते तो हैं पर आधे में देख के चले जाते हैं। तो इसलिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि पूरी वीडियो देखें, क्योंकि एक एक मिनट से ना हमारा घड़ा बढ़ता है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और पूरी वीडियो जरूर देखो, स्किप मत करो भाई, ठीक है? चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। तो गाइस क्योंकि अब 7:25 तक हो गए, 7:25 हो गए और थोड़ी अंधेरे भी हो गया बाहर, तो अब ऐसा करते हैं हम कि ये व्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अब हमें जाना पड़ेगा, नहीं जा रहे हैं उसके लिए जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और क्या बोलो, घर पे रहो भाई, ज़्यादा मत घूमो, ठीक है? हम आपको यहीं इंटरटेन करेंगे, टेंशन ना लो। तो मिलेंगे जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे पिछले व्लॉग्स और कुछ प्यार दिखाइए। तो बाय 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 बाय।